शेखपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इस दौरान एक बाइक भी जब्त की गई है। मामले में शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अपने घर में साइबर ठगी का धंधा करते थे और वे इंटर परीक्षार्थियों को कॉल करके नंबर बढ़वाने का झूठा झांसा देकर अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। वहीं गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि इस धंधे में अब तक वे करीब 5 लाख रुपए कमा चुके हैं। दिनों में इंटर की परीक्षा हुई थी और उसमें ठगी के लेकर बात आ रही थी। उसमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से कार्रवाई की गई, दोनों गिरफ्तारी की गई है और जांच में अब तक ये आया है कि जो लोग परीक्षा दिए थे उनका डेटाबेस ही लोग मंगवा लेते थे। उसमें रहता था कि इनके पिता का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि आपको मार्कशीट में ये मिला है, जाँच हो गई है, मार्क्स में आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं फ्लाइंग पर। धर्मेंद्र, कैसे मिली पुलिस को यह सफलता? जी देखिए, सबसे पहले बात तो है कि आए दिन लगातार साइबर अपराध बढ़ता जा रहा था जिला में। इसी दौरान पुलिस कप्तान के द्वारा साइबर क्राइमर के ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसी में साइबर सेल के लोगों और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें ये दो लोगों को जो पकड़ा गया है, इन लोगों का काम था कि मैट्रिक और इंटर एग्जाम जो हुआ है सभी का डाटा लिया उपलब्ध कराकर सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं सबके यहाँ फोन कर बताते थे कि आप मैट्रिक में इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, 100 रुपया डाल दीजिए अकाउंट पे तो आपको पास कर दिया जाएगा। इस तरह से करके लगभग 10 लाख से अधिक रुपए की वसूली किए थे। इसी दौरान शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। तो आपको बता दें कि शेखपुरा की घटना है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और भी कई खुलासे इसमें हो सकते हैं।